अक्सर नेता मंत्री सियासत या फिर शासन के काम में लगे रहते हैं लेकिन भूपेंद्र यादव जी को वक्त मिला एक किताब लिखने का द राइज ऑफ द बीजेपी एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी और ऐसे वक्त पे जब भारतीय जनता पार्टी ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए एक सीटें दर्ज की गुजरात के इस चुनाव में और ये जो इस वक्त की पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की उसमें संगठन के कार्य की जब बात आती है तो बहुत ही कम ऐसे नेता होंगे जिनको पार्टी के लोग जो टॉप हाई कमांड के लोग हैं और कार्यकर्ता जितना मानते हैं जितना कि भूपेंद्र यादव जी को तो स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुछ हम चर्चा शुरुआत में करना चाहते हैं बीजेपी जिस तरीके से चुनाव गढ़ती है बनाती है आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके विचार में साधारण तौर पे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो ना जानते हों क्योंकि आपने पूरी किताब लिखी कई सारी चीज़ें सार्वजनिक हैं जो कि लोग देखते भी हैं पर्दे के पीछे क्या चलता है किस तरीके से जैसे गुजरात का अगर हम चुनाव लें मिसाल के तौर पे सातवां चुनाव लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी एक नई पार्टी कांग्रेस आपका पुराना विरोधी दल ऐसे में किस तरीके से चुनाव बनाया गया ताकि जो आखिर में निकल के आए नतीजा लोग उसको देख के दंग रह जाए देखिए चुनाव कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती अगर एक दिन की प्रक्रिया पांच दस दिन की प्रक्रिया हो तो आप एक चुनाव जीत सकते हो दो चुनाव जीत सकते हो पर आप सात चुनाव नहीं जीत सकते हो सात चुनाव का अर्थ यह होता है कि जेनरेशन चेंज होती जा रही हैं लेकिन पार्टी के साथ कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ लगाव है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा इस हमारी पार्टी की रणनीति में जो सबसे बड़ा उनका योगदान है निरंतर कार्य करना कभी आपने देखा नहीं होगा कि चुनाव जीतने के अगले दिन भी शेड्यूल तय होता है कार्यक्रम तय होता है दूसरा भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद जो सबसे बड़ा विषय देश की राजनीति में आया है कि गवर्नेंस राजनीति का सेंटर बनाए गवर्नेंस का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अपनी उपलब्धियों और कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और तीसरा सरकार बनने के बाद भी जो संगठन की मूल प्राथमिकताएं हैं लगातार लोगों को जोड़ना बूथ तक काम का विस्तार करना बूथ तक लोगों को लेकर के जाना और हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो कुछ बेसिक फंडामेंटल शुरू करे थे हर कार्यालय में एक ई e लाइब्रेरी का होना प्रशिक्षण की व्यवस्था का होना बूथ को सशक्त करना बूथ पर तेईस काम करना उस पर विस्तारकों को जाकर पार्टी के लिए समय दे करके काम करना और अब कोविड के कार्यकाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक और नया आयाम दिया कि जब कोई मानवीय सभ्यता संकट में आ जाए तो सेवा को पार्टी के काम का आधार बनाना हम केवल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हम सर्विस भी कर सकते हैं तो इन सब विषयों के कारण जैसे जैसे समय बदलता है पार्टी लोगों के बीच में लगातार सक्रिय रहती है और वही भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण एक और बड़ा फर्क भी है वो ये कि राहुल गांधी की सोच है कि पावर इज पॉइजन उनको लग रहा है कि जो उनकी यात्रा निकल रही है उसका इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है जो आगामी चुनाव थे उससे कोई लेना देना नहीं था वो दूर की सोच रहे हैं दूसरी तरफ आप हो हो अमित भाई जो ये पीढ़ी के बीजेपी के नेता हैं ऐसा देख के लगता है कि उनको चुनाव लड़ने लड़ाने में मजा आता है उनको लगता है कि ये तो बड़ा एक्साइटिंग है मतलब और ये फर्क है एक सोचता है कि चुनाव का भी कोई काम नहीं मुझे दूसरी चीजें करनी और आप लोगों को चुनाव लड़ने लड़ाने में मजा आता है अब जिसको जो करना है इस देश में तो आर्टिकल 19 में सबको अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है सब करें पर काम तो आपका चुनाव लड़के पार्टी को आगे करना है लोगों को अच्छा गवर्नेंस देना है आप कोई नहीं दे सकता है अब कुछ और करना चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर इसी मॉडल को मैं आपको क्रिटिकली एनालाइज मॉडल को जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ का मॉडल है उसको मैं आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को कहूँ एक बाहर वाले की नज़र से तो आप मुझे बताएं इस मॉडल में आपके हिसाब से सबसे बड़ी कमजोरी क्या अगर आप एक स्ट्रेटेजिस्ट होते आप सलाह दे रहे होते क्या वो चीज है जो भाजपा के नेता भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखनी चाहिए बचना चाहिए ताकि पार्टी में कमजोरी ना आ जाए नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है जो 1949 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में राधोमल स्कूल में जो जनसंघ की यात्रा शुरू हुई उस यात्रा में जो सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की रही है कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रही है इवन जो पहले अधिवेशन कानपुर अधिवेशन में जनसंघ ने जो रेजोल्यूशन पास करे थे पार्टी आज तक उनपे स्ट्रिक्ट चल रही है और पार्टी की प्रायोरिटी नेशन फर्स्ट है जो पचास में बावन में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए जो आंदोलन किया और उन्होंने अपनी शहादत दी दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद की फिलॉसफी दी और उसको गवर्नेंस में आने के बाद अंत्योदय से लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं तो आइडियोलॉजी की दृष्टि से पार्टी एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी पे चल रही है लेकिन ऑब्जेक्ट नेशन फर्स्ट है बस इसी पे चलते रहें इसी को जब तक पार्टी लेकर के चलती रहेगी पार्टी हमेशा आगे रहेगी